हाय एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल तो आज हम फिफ्थ ऑफ दिसंबर 2020 के न्यूज आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द आइकन सो लेट्स के स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले तो सबसे पहले आज फिफ्थ ऑफ दिसंबर है तो आज एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे ठीक है डब्ल्यू एस डी वर्ल्ड सॉइल डे आई यू सी एन के द्वारा यह ऑब्जर्व किया जा रहा है और यह हर साल मनाया जाता है पाँच दिसंबर को एज अ मीन्स टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थी सॉइल टू एडवोकेट फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल रिसोर्सेस तो अगर हम दो हजार बीस की थीम आती है कहीं पे पूछी जाती है तो कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बाय डाइवर्सिटी ठीक है तो कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडास्टी इट्स अ थीम फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है तो ये वर्ल्ड सॉइल डे की जो थीम है ये इम्पॉर्टेंट है बाकी यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि uh, जो अगर हम बात करें सॉइल की तो एक लिविंग रिसोर्स है और होम टू मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ प्लान बायोडास्टी एंड द की टू आर फूड सिक्योरिटी और अगर ग्लोबली हम बात करें तो सॉइल बायोडासिटी हैज़ बीन एस्टीमेटेड टू कंट्रीब्यूट बिटवीन वन पॉइंट फाइव यू एस डॉलर एंड थर्टीन ट्रिलियन एंड एनुअली टू दल वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज ठीक है तो इम्पॉर्टेंट है ये और आई यू सी एन आई यू सी एन के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो ये मेम्बरशिप यूनियन है नाइनटीन फोर्टी एट में जो इस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हैविंग ऑब्जर्वेशन एट यू एन जनरल असेंबली इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल नेटवर्क ऑफ मेम्बरशिप यूनियन यूनिकली कंपोज ऑफ़ इसमें गवर्मेंट के भी साइड uh, से गवर्मेंट्स भी हैं बहुत सारी ठीक है काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स हैं और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पे है मोर देन मतलब अबाउट फिफ्टीन हंड्रेड मेम्बर ऑर्गनाइजेशन है और मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड आई यू सी एन कमीशन मेम्बर्स हैं तो आई यू सी एन इंडिया नेटवर्क में भी काफ़ी सारे जैसे फोर्टी मेम्बर्स इसमें हैं इंक्लूडिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है और स्टेट मेम्बर्स यहाँ पे हैं तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं और आई यू सी एन ट्वेंटी ट्वेंटी हैज़ पब्लिश्ड रिपोर्ट तो इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका क्या टाइटल है कॉमन लैंड्स एंड आई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर नेचर बेस्ड सल्यूशन फोकसिंग ऑन ये मतलब नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन पर फोकस करती है जो कि हमें एक सिक्योर प्लानट प्रदान करेंगे बाद में है ना तो ये है टाइटल आई टी सी लिमिटेड इज अ ग्लोबल एग्जाम्पलर सस्टेनेबिलिटी विच इज मैनिफेस्टेड स्टेटस एज दी ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड तो ये एक आई टी सी के कंपनी के बारे में आया हुआ है यहाँ पे एंड इनका भी कुछ ऑब्जेक्टिव ये कि सॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन को क्या करना रिस्टोर करना है है ना और यहां पे ऑन यू एन डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे तो एक और फैक्ट मिल गया हमें सेवनटीन जून को क्या बनाया जाता है सत्रह जून को यू एन डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे तो थीम थी इस साल की 2020 की फूड फीड फाइबर सस्टेनेबल कंजम्पन एंड प्रोडक्शन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैक्ट सर्टिफिकेशन यू है ना तो इन्होंने ये स्ट्रेस दिया था इस पर कि हमें क्या करना है सॉइल फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना है जो भी मतलब क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहे हैं और फॉरेस्ट कवर है बायोडास्टी कंजर्वेशन है एग्रीकल्चर लैंड के लिए मतलब ये सब इसको बढ़ाना होगा ठीक है तो लास्ट पेज से हम देख लेते हैं आ, स्टार्ट करते हैं क्या क्या न्यूज़ है तो सबसे पहली न्यूज़ इकोनॉमी uh, से शुरुआत करते हैं ठीक है तो इकोनॉमी पेज पे पहली न्यूज़ है आई किया स्टोर इन नवी मुंबई तो फर्निशिंग रिटेलर तो फर्निशिंग होम डेकोर की मतलब फेमस ये रिटेलर है वन ऑफ़ द लार्जेस्ट रिटेलर आई तो इनका जो स्टोर है सेकेंड इंडियन स्टोर वो ओपन होगा आफ्टर द फर्स्ट वन ओपन इन हैदराबाद अगस्त 2018 इन नवी मुंबई ऑन दिसंबर 18 सो द नेक्स्ट न्यूज़ वाई नो चेंज इन पॉलिसी रेट तो पॉलिसी रेट में चेंजेस नहीं किए गए हैं अभी पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ऑफ दी आरबीआई जो उसको हेड कौन करते हैं आरबीआई के गवर्नर कौन है शशिकांत दास ठीक है तो उन्होंने ये डिसाइड तो बाई मंथली पॉलिसी में ये अनाउंस किया है कि uh, जो पॉलिसी रेट है वो स्टेबल है उनको चेंज नहीं किया गया है अब मतलब होता क्या है यहाँ पे ये भी देख सकते हो व्हाट आर द करेंट रेट्स तो सिक्स मेंबर्स एमपीसी वोटेड पी टू लिव द पॉलिसी रेपो रेट द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स फंड्स टू बैंक्स है ना तो रेपो रेट भी पता चल गया आर बी लेंड करता है बैंक्स को फंड तो ये अनचेंज रहेगा एट फोर इट ऑल्सो डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद एकोमोडेटिव स्टेंस ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी एज लॉन्ग एज नेसेसरी तो यहाँ पर यह एकोमोडेटिव स्टेंस है तो ये मतलब क्या होता है कि आर इन्फ्लेशन को सपोर्ट ना करके मतलब अभी क्या कर रहा है ग्रोथ का सपोर्ट कर रहा है आर बी आई वॉन्ट्स टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है ना तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पॉलिसी रेट मतलब अगर वो क्या कर रहे हैं अगर बढ़ाते हैं तो तब क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं है ना पॉलिसी रेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स तो क्या कि इन्फ्लेशन को कम करने का टारगेट यहाँ पे आर का है लेकिन अगर पॉलिसी रेट होल्ड पे है जैसे अभी है स्टेबल है पॉलिसी रेट ठीक है कुछ भी उसमें नहीं है तो दैट मीन्स वो ग्रोथ को क्या कर रहे हैं आर बढ़ाना चाहते हैं ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है और ये क्योंकि दोनों ही काम एक साथ तो हो नहीं सकते और ये मॉनिटरी पॉलिसी का ही काम होता है दो तरह की पॉलिसी होती हैं एक मॉनिट्री पॉलिसी एक फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी किसके द्वारा तय होती है फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई के द्वारा तो यहाँ पे इनका यही रोल होता है कि एक तो इन्फ्लेशन को बैलेंस रखना या फिर कम करना और दूसरा ये होता है ग्रोथ को बढ़ाना ठीक है तो अभी आ, क्या कर रहे हैं ग्रोथ पर यहाँ पर ये यह साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्लियरली कि एट द सेम टाइम साइन ऑफ रिकवरी आर फार फ्रॉम बीइंग ब्रॉड बेस्ड एंड आर डिपेंडेंट ऑन द सस्टेन पॉलिसी सपोर्ट एंड टू एक्ट इन सपोर्ट ऑफ ग्रोथ ठीक है तो इस वजह से ये ये इसको अनचेंज रखा हुआ है व्हाट्स द आउटलुक ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट तो आर हैज़ प्रोजेक्टेड सी इन्फ्लेशन एट सिक्स फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी और फाइव फॉर क्वार्टर फोर ऑफ़ ट्वेंटी एंड फाइव ऑफ फोर पॉइंट द फर्स्ट हाफ तो फाइनेंशियल ईयर के ये बात की गई है बस मेन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है और पॉलिसी रेट अगर कम हो रहे हो इंटरेस्ट रेट तो क्या होता है ठीक है तो कम होने पे क्या होता है ग्रोथ होती है और मतलब ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं ठीक है द नेक्स्ट है आर बी आई ऑफर्स मोर फंड्स टू ट्वेंटी सिक्स सेक्टर्स आइडेंटिफाइड बाई कामत कमेटी तो कामत कमेटी को अ, मतलब ये बताना चाहिए इन्होंने ये दिया था कि क्या करना है ट्वेंटी सिक्स सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है विद इन एम्बिट ऑफ सेक्टर्स एलिजिबल जो होंगे अंडर टी एल टी आर ओ टी एल टी आर ओ क्या है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है जो कि क्या करेंगे जो भी स्लो डाउन से जो हिट है मतलब स्लो डाउन की वजह से जो इकनॉमी की जो हालत है उसको क्या करने के लिए वहाँ पे मोर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए ठीक है ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्टेप लिया गया है तो ये है इम्पॉर्टेंट देन फार्म लॉस नॉट डन इन अ जीफी कंसल्टेशन कंसल्टे टू प्लेस एट वेरियस लेवल्स तो ये निर्मला सीतारमन जो हमारी फिनंस मिनिस्टर है उनका कहना है कि अभी मतलब मेन ये नहीं है कि लॉस पे बात नहीं हो रही इतनी जितना इसको पास कराने के तरीके पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं फार्मर्स के द्वारा है ना कि आपने इतना जल्दी में कर लिया हरी तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि हमने कंसल्टेसन लिया था एट वेरियस लेवल्स एट काफ़ी अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों से ठीक है और बाकी वो है कि एम को लेके बात हो रही एम एस पी को लीगलाइज कर देना चाहिए पहले ये था कि एमएसपी चला जाएगा है ना उनको ये डर था फार्मर्स को लेकिन जब ये एश्योरिटी दे दी कि नहीं एमएसपी विल रिमेन एज इट वॉज अर्लियर तो भी मतलब ये है कि इसको लीगल स्टेटस दो है ना तो अब इस चीज को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं देन यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड देख लेते हैं ग्रेट बैरियर रीफ़ इन क्रिटिकल स्टेट डिटेरियटिंग तो ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ़ द वर्ल्ड अभी हम मैप में देखेंगे सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी है ठीक है मतलब जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ में जो प्लेसेस हैं उनको देख लेंगे तो कोरल रीफ इकोसिस्टम काफ़ी स्पेक्टेकुलर है और वर्ल्ड का मोस्ट एक्सटेंसिव एंड स्पेक्टेकुलर इज इन क्रिटिकल स्टेट एंड डिटेरिएटिंग एज क्लाइमेट चेंज वार्मस अप द वाटर्स इन विच इट लाइज अ कंजर्वेशन ग्रुप ने ये बोला है

गया ठीक है तो एक बार हम देख लेते हैं तो हमको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी तो ये इंडिया से हम ईस्ट की साइड को जाएं यहां ऑस्ट्रेलिया है और ये है ग्रेट बैरियर रीफ ठीक है कोरल रीफ इन ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ है सिस्टम कम्पोज ओवर टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड इंडिविजुअल रीफ्स एंड नाइन हंड्रेड आईलैंड है इसमें स्ट्रेचिंग फॉर ओवर टू थाउजेंड किलोमीटर ओवर एरिया ठीक है सो द रीफ इज लोकेट इन कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया तो ये हमने पढ़ा है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको नाइनटीन एटी वन में घोषित किया गया था ठीक है नाइनटीन एटी वन में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया था तो ये इंपॉर्टेंट है देखना ठीक है ग्रेट बैरियर रीफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है ठीक है ऑस्ट्रेलिया भी देख लेते हैं एक बार ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे ये क्वींसलैंड है देखो इस तरीके से ये डिवाइडेड है ये नॉर्दर्न टेरिटरी है और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ठीक है और यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे आपका न्यू साउथ वेल्स ये वाला पार्ट है ठीक है न्यू साउथ वेल्स और ये वाला जो पार्ट है ये विक्टोरिया ठीक है यहाँ पे मेलबर्न है और यहाँ पे सिडनी और कैनबरा और ये जो ऊपर ये जो क्वींसलैंड वाला पार्ट है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्रिस्बेन है ठीक है और यहाँ अगर हम बात करें नॉर्दर्न टेरेटरी की तो नॉर्दर्न टेरिटरी में यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे डार्विन है ठीक है डार्विन और यहाँ पे क्या है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे पर्थ है तो ये ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप है और यहाँ पे जो है बैस स्ट्रेट है बैस स्ट्रेट किसके बीच में है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ठीक है ये तस्मानिया है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जगह है होबर्ट यहाँ की साउथ वेस्ट नेशनल पार्क और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे ठीक है ग्रेट बैरियर रीफ हम ऑलरेडी ये कोरल सी है और ये जो है ये पूरा रीजन ठीक है ये ग्रेड बैरियर रीफ का ही आता है तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे तैमूर सी है अरफुर सी एंड तो थोड़ा बहुत मतलब ये मैप भी देख लेने चाहिए कि कहाँ पे क्या है और दूसरी न्यूज़ भी इंटरनेशनल न्यूज़ ही थी तो वो भी हम देखेंगे वो क्या है कतर फॉरेन मिनिस्टर से सम मोमेंट टूवॉर्ड्स एंडिंग गल्फ रो ठीक है तो यूएस और जो कुवैत हैं तो वो क्या कर रहे हैं जो सऊदी अरेबिया यूएई बहरीन इजिप्ट से मतलब डिप्लोमेटिक टाई हैं टाई को लेके मतलब जो एक इशू चल रहा था एक कॉन्फ्लिक्ट था तो उसको ख़त्म करने पे आ, वो मतलब उसको एंड करना चाहते हैं ना सो ट्रेड एंड ट्रेवल्स टाई विद कतर सिंस मिड टू थाउजेंड तो कुवैत ने क्या किया था कुवैत के साथ इन सब ने ही ट्रेड और टाइज अपने समाप्त कर दिए थे तो अब इसको दोबारा से मतलब यूएस सपोर्ट कर रहा है कतर का कतर फॉरेन मिनिस्टर हैं तो इन्होंने ये बोला है मूवमेंट ऑन रिजॉल्विंग अ बिटर डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट अमंग द गल्फ कंट्रीज बट ही कुड नॉट प्रिडिक्ट वेदर अ ब्रेक थ्रू वॉज इमिनेंट और वुड फुली रिजॉल्व द मैटर है ना तो कतर को पूरी तरह से बाइकआउट कर लिया था इन्होंने एक अल जजीरा जो न्यूज चैनल है उस उसको लेके भी कुछ डिस्प्यूट हुआ था वी आर होपफुल दैट थिंग्स विल मूव इन द राइट डायरेक्शन राइट नाउ वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर इट विल बी इमिनेंट और रिजॉल्व दिस तो वही सब चीज़ें ठीक है मेडिटेरियन डायलॉग इसको बोला है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिस में हुआ था वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर सऊदी अरेबिया एंड इट्स गर्ल्फ अलाइज टू बी टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस एम डेट इवेंचुअली एंडिंग द बाइकआउट ऑफ कतर इज देयर फेयर दैट ईरान कुड बी कम स्ट्रोंगर है ना आफ्टर द एंड ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और कतर ने के जो हैं ईरान के साथ क्लोज टाइज हैं काफ़ी ज़्यादा मित्रता है कतर के साथ ईरान की और सऊदी को मतलब ये चीज़ पसंद नहीं है सो दे आर एबल टू ब्रिंग दोहा टू देर कॉर्नर इट विल बी बिकम ईजियर टू आइसोलेट तेहरान ठीक है अगर ये दोनों से बात हो जाती है तो ये है देन नेक्स्ट फर्स्ट रोहिंग्या अराइव एट बांग्लादेश आइलैंड ठीक है तो बांग्लादेश में ये एक आइलैंड जो यहाँ पे है भाषण चार आइलैंड तो यहाँ पे रोहिंग्या रिफ्यूजीज को लाया गया है अब ये क्या है वन थाउजेंड सिक्स फोर्टी टू रिफ्यूज़ बोर्डर्ड सेवन बांग्लादेशी नेवल वेसल्स और द पोर्ट ऑफ चिदगोंग फॉर द ट्रिप टू भाषण चार ठीक है तो पहले ये भाषण चार की जो लोकेशन है वो देख लेते हैं और यहाँ पे ना मतलब ये बिल्कुल फ्लड प्रोन और एरिया uh, इसको बोला जाता है साइक्लोनिक स्टाम यहाँ पे आए थे और ये बीस साल पहले ही ये एक तरह से आइलैंड ये बना है ठीक है सॉरी तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं भाषण चार्ट तो ये बांग्लादेश है ठीक है बांग्लादेश की लोकेशन और ये है आइलैंड तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नेवी ने काफ़ी काम भी किया है बांग्लादेश की नेवी ने इस पर मतलब जैसे अब यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे जैसे सेंटर हैं मॉस्क्यू हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह भी यहाँ पे बनवाए हैं है ना ताकि यहाँ कुछ दिक्कत ना हो लोग जो भी यहाँ पे रोहिंग्या रिफ्यूजीज आएंगे तो उस पर वर्क किया गया है लेकिन काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी इसका जो ह्यूमन राइट वॉच है वहाँ से इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है इसको चारपिया भी बोलते हैं इज़ एन आइलैंड इन हथिया उपा जिला बांग्लादेश इट इज़ लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल अबाउट सिक्स किलोमीटर फ्राम सैनडीप आइलैंड ठीक है थर्टी सेवन माइल्स फ्राम द मेन आइलैंड तो 2006 में ये फॉर्म किया गया था इट स्पेंस 40 स्क्वायर किलोमीटर ठीक है 2016 में और यहाँ पे ये है सेंडीप आईलैंड ठीक है ये ऊपर सैंडवीप सैंडवीप ठीक है नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ये मैप भी देख लो आप नॉर्थ ईस्ट वाला ठीक है तो ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं हाउसेस हैं एम्बैंकमेंट्स बनाए हुए हैं फ्लड प्रोटेक्शंस और 112 मिलियन की यहाँ पे कॉस्ट आई है पूरा इनको सेटल करने में नेवी को बांग्लादेश की नेवी ने काम किया है और जब यहाँ पे जो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट है साल तो ये इन्होंने विजिट किया तो इन्होंने बोला कि रिफ्यूजीज़ को एग्स राइस और चिकन जो मतलब फ़ूड है तो वो सब भी दिया गया एंड दे आइलैंड फैसिलिटीज़ आर बिल्ड टू एकोमोडेट वन लाख पीपल जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द मिलियन रोहिंग्या हु हैव फ्लड वेव्स ऑफ वॉल एंड ठीक है तो म्यांमार में इनको नहीं रहने दिया जा रहा है और अभी वो क्राउडेड रिफ्यूजीज़ कैंप में रह रहे हैं तो उससे बेहतर ये कि अभी यू एन ने ये भी बोला है कि रिफ्यूजीज़ को ये अलाउ किया जाए कि उनका फ्री और इन्फॉर्म डिसीज़न हो एक तो इन्फॉर्म डिसीज़न ये कि उनको कहाँ ले जाया जा रहा है ना किस आईलैंड आईलैंड पर ले जाया जा रहा है और दूसरा ये कि वो जाना भी चाहते हैं वहाँ पर रिलोकेट करना चाहते हैं या नहीं तो ये चीज़ है अभी यहाँ पर हम देख लेंगे एक बार थोड़ा और जो कंसर्न है इससे रिलेटेड ये तो ग्रेट बैरियर रीफ से ही रिलेटेड आर्टिकल है है ना तो ये स्टैटिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है शायद नहीं किया है द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया ईस्ट कोस्ट इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड एंड 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट ठीक है बार बार रिविजन हो गया और वर्ल्ड बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है और एक ये रिपोर्ट भी आई थी ग्रेट बैरियर रीफ मेरीन पार्क अथॉरिटी इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड कोरल होती क्या है कोरल रीफ्स आर इम्पॉर्टेंट हॉट स्पॉट ऑफ बायोडेसि इन द ओशन कोरल्स आर एनिमल्स इन द सेम क्लास एज जली फिश एंड एनोमोन्स दे कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पॉलिवस दैट गेट टुगेदर एंड बिल्ड रीफ्स है ना तो ये सपोर्ट करती हैं वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज़ और जो एक कोस्टल uh, बायोस्फीयर की क्वालिटी होती है उसको मैंटेन करती हैं इसको थ्रेट किससे होता है क्लाइमेट चेंज से और जो इसे ऑयल स्पिल होता है उससे सर्फिस टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है ना बियॉन्ड अ टॉलरेबल रिमिट्स एंड ई तो ही प्रोवाइड करते हैं ठीक है थीके? क्लोरोफिल इसमें होता है एंड अदर पिगमेंट्स होते हैं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह होता है तो ये तो था इससे रिलेटेड न्यूज बाकी जो न्यूज थी वो हम एक बार देखना चाह रही थी हाँ भाषण चार आइलेंड के बारे में थी ठीक तो है तो भाषण चार आइलैंड इसको थेंगार चार आइलैंड भी बोलते हैं और इंग्लिश में फ्लोटिंग आइलैंड भी बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं फ्लोटिंग आइलैंड भी इसको बोलते हैं ये भाषण चारा भी यहाँ पर हमने देख चुके हैं चिडगोंग पोर्ट है यहाँ पर सो डिकेट सगो ये फॉर्म हुआ था टू डिकेट सगो माउथ ऑफ़ द रिवर मेघना ठीक है और बाकी तो हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और न्यूज़ क्या है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है इन्होंने मेंबरशिप इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र की ली है अब ये क्या हेल्प करेगा डेवलप करेगा वाइब्रेंट ग्लोबल इंश्योरेंस हब को इन आई एंड एट गिफ्ट सिटी है ना तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में हुआ था आई ए का नाइनटीन में एस्टेब्लिशमेंट स्विट्ज़रलैंड में हेडकोार्टर इसका है और इट इज़ अ वॉलेंट्री मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स ठीक है एंड रेगुलेटर्स फ्रॉम मोर देन टू हंड्रेड जुरेशन कॉन्स्टिट्यूशन नाइन्टी से नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम्स तो ये वॉलेंट्री मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है और इसके लीडिंग मेंबर जैसे यू के है और यू एस ए की नेशनल इंश्योरेंसनर्स हैं इंडिया की साइड से इंश्योरेंस रेगुलेट्री एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई आर डी आई है ठीक है तो काफ़ी इम्पॉटेंट ये है अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप शायद कर पाए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर तो आई ए आई एस द वॉल्ट्री मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ इंश्योरेंस सुपरवाइजर एंड रेगुलेटर्स दूसरी बात ये कि इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आई एस तो कौन से इसमें से करेक्ट है ना तो अगर ध्यान से पढ़ा है तो आप इसको प्लीज़ अटैम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में कोशिश करें एक बार ट्राई करने की देन इनको हम अभी बाद में देखते हैं न्यूज़ पहले अभी न्यूज़पेपर ही डिस्कस कर लेते हैं पूरा नेक्स्ट न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट चाइनीज़ जो प्रोव है वो लूनार सरफेस से टू के जी एलूनार रॉक्स लेके आया है कलेक्ट किए हैं एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ द फर्स्ट रिटर्न ऑफ सैम्पल्स इन सोवियत मिशन जब सोवियत मिशन नाइनटीन सेवेंटी के बाद से मतलब सेकेंड ये मिशन है चाइनीज़ की साइड से वहाँ पर उन्होंने जो है ये लाए चांग चांग ई फाइव ठीक है चांग ई फाइव लैब ग्रोन मीट क्लियर इन सिंगापुर इमर्जिंग अल्टरनेटिव वर्ल्ड वाइड ठीक है तो लैब ग्रोन मीट जो है उसको अप्रूवल दिया है सिंगापुर की जो एस एफ ए है दैट मीन सिंगापुर फूड एजेंसी और कि वो क्या कर सकते हैं सेल कर सकते हैं लैब ग्रोन मीट प्रोडक्ट्स को सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कल्चर्ड मीट हैज़ बीन क्लियर फॉर सेल एनीयर इन द वर्ल्ड सो ये प्रोडक्ट जो है जैसे चिकन है ठीक है तो यहाँ सब जो है सेल किया जाएगा इट इज़ इन द जून ट्वेंटी ट्वेंटी फूड आउटलुक रिपोर्ट जो यूएन का फूड एंड ऑर्ग एग्रिकल्चर ऑर्गनाइजेशन है एफ तो इन्होंने बोला था कि वर्ल्ड मीट आउटपुट वाज सेट टू तो कॉन्ट्रैक्ट रो ऑफ थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री मिलियन टोन्स वन पॉइंट सेवन परसेंट लेस देन इन टू थाउजेंड नाइनटीन तो ये डिसरप्शन हुआ था कोविड नाइन्टीन की वजह से लेकिन ये था कि इससे क्या हो सकता है वाइड स्प्रेड फेयर ये था कि जोनोटिक डिजीज हो सकते हैं जैसे अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है ना हाईली पैथोजेनिक एवियन लेकिन अभी एक तरह से फिर से अपॉर्चुनिटी से मिली है कि जो कल्टर्ड मीट है ये ग्रो होगी अभी और काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है ना और लार्जेस्ट मीट कंपनीज जो है वर्ल्ड की जैसे नेस्ले टाइसन फूड्स और पर्ड्यू फार्म्स ठीक है तो इन्होंने भी फास्ट मूविंग प्लांट बेस्ड मीट जो है वो ग्रो करने की कोशिश की है और बस यही सब चीज़ें हैं ये कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ना चाहते हो है? मतलब पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो देन ये वाला जो आर्टिकल सर्जरी इज़ अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा एक्सप्लेन सेक्शन में तो इस आर्टिकल को आप प्लीज़ अपने से एक बार ग्रो गो, गो थ्रू कर लीजिएगा मैं आपको बस ये बता देती हूँ कि था क्या यहाँ पे नवंबर 19 में क्या हुआ था गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की थी उसमें ये बोला गया था स्पेसिफ़िक सर्जिकल प्रोसीजर बोले गए थे जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट होंगे आयुर्वेदा के तो उनको क्या होना चाहिए उनको प्रैक्टिकली ट्रेंड होना चाहिए टू एक्वेंट विद एज़ वेल एज टू इंडिपेंडेंटली परफॉर्म है ना तो उनको एक ट्रेनिंग होनी चाहिए मतलब अगर उनको प्रैक्टिस करना है इसका सो द नोटिफिकेशन इनवाइटेड मतलब काफ़ी क्रिटिसिज्म इसका हुआ आई एम ए के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा तो उन्होंने बोला कि एक तरह से जो कॉन्फिडेंस ये क्रिएट कर रहा है आयुर्विदा प्रैक्टिशनर के लिए टू कैरी आउट दिस प्रोसीजर एंड कॉल द नोटिफिकेशन एंड अटैम्प्ट मिक्सोपैथी है ना तो इनका जो प्लान है एथ ऑफ दिसंबर को ये है कि इनको नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने हैं इसी नोटिफिकेशन को लेके और ये क्या करना चाहते हैं ऑल नॉन इसेंशियल एंड नॉन कोविड सर्विस दिसंबर से मतलब यहाँ से क्या करना चाहते हैं विदड्रॉ करना चाहते हैं ठीक है मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र और मेडिकल एजुकेशन रिसर्च कॉलेज तेलगांव डिस्प्ले प्लेस टू रेजिस्ट मिक्सोपैथी है ना मिक्सोपैथी हाउ मुंबई टू कॉन द वायरस तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छे एफर्ट किए थे टेस्टिंग ट्रेसिंग और हॉस्पिटल बेड्स लेके मुंबई ने तो वैसे ही सबको करना चाहिए इंटरफेद प्रेयर एंड अरेस्ट तो ये यहाँ पे एक मतलब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं तो उन, उन्हीं के द्वारा ये आर्टिकल है तो इतना ज़्यादा मतलब इंटरफेद मैरिज uh, uh, से रिलेटेड भी यहाँ पर है ठीक है और uh, का, इतना तो है नहीं इम्पोर्टेंट इंटरफेड मैरिज से रिलेटेड नहीं है मतलब ह्यूमन राइट से रिलेटेड ही आर्टिकल है तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनका जिक्र है ठीक है और उनका नाम क्या है अब्दुल गफार खान अब्दुल गफ़ार खान ठीक है और बादशाह खान इनको भी बोला जाता था और इनके बारे में यहाँ पे तो इनके ही डिस्कस कर लेते हैं एक बार हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है खुदाई खिदमत मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा तो इन्होंने ही ये चलाया था ठीक है अब्दुल गफ़ार खान इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता था ठीक है फ्रंटियर गांधी और फॉरमोस्ट ट्वेंटी सेंचुरी के लीडर थे पश्तून से अ मुस्लिम एथेनिक ग्रुप है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में और ये महात्मा गांधी के फॉलोअर थे इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता और ये गांधी जी से कब मिले थे नाइनटीन नाइनटीन में इन्होंने पॉलिटिक्स में आ, एंटर किया था जब रूलर एक्ट को लेके एजिटेशन चल रहे थे ठीक है तो इनको कन्फाइनमेंट भी मिला था ऑफ पॉलिटिकल विदाउट ट्रायल देन नाइनटीन में इन्होंने ज्वाइन किया खिलाफत मूवमेंट ठीक है खिलाफत मूवमेंट तो ये एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान नहीं चाहते थे कि कोई पाकिस्तान जैसी एक नई कंट्री बने तो मुस्लिम लीग ने भी इनको सपोर्ट नहीं किया था और फिर ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें भी मिल गए थे ठीक है तो ये था फिर 1921 ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट खिलाफत कमेटी और सून आफ्टर अटेंडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इन्होंने क्या किया रेड शर्ट मोवमेंट जिसको बोला जाता है खुदाई खिदमतगार ठीक है अमंग द पश्तूम्स तो ये चलाया और इनको भारत रत्न प्राइज़ भी मिला था नाइनटीन में जो हाइएस्ट इंडियन ऑनर होता है दैट कैन बी गिवन टू सिविलियंस तो ही वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू तो रिसीव दिस ऑनर ठीक है नेल्सन मंडेला जो है ये दूसरे नॉन इंडियन हैं जिनको मिला फिर मदर टेरेसा 1980 में बिकम द फर्स्ट एंड ओनली नेचुरलाइज सिटीजन्स टू तो बी अवार्डेड द भारत रत्न तो ये कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंट थे इससे रिलेटेड नेक्स्ट यहाँ पे सुपर सेंटर में ये लिखा गया है कि मतलब एक तरह से जो टू फ्रंट पे सेंट्रल गवर्नमेंट टॉर्च ऑन हो गया है सॉरी तो टू फ्रंट पे एक पावरफुल हो गई है सेंट्रलाइजेशन हो गया है एक तो पॉलिटिकल और दूसरा इकोनॉमिक पावर का है ना तो ये क्या कर रहे हैं रेनफोर्स कर रहे हैं टू ईच अदर और इसके काफ़ी प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कंट्री के लिए और यही सब चीज़ें यहाँ पर बोली गई थे मसाला मैन तो ये मसाला मैन का आर्टिकल पढ़ के इतना ज़्यादा मतलब ये भूखी लगेगी धर्मपाल गुलाटी तो इनकी डेथ हो गई थी तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है ग्रोथ बैंक्स तो ग्रोथ बैंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तो इन्होंने यूनानिमसली मेंटेन किया है सारा वही सब चीज़ें लिखी हैं ना कि आ, इतना ही रहेगा जो इन, इन्फ्लेशन है उसको चेंज नहीं किया है टू तो मैंटेन द स्टेटस को ऑन इंटरेस्ट रेट है ना सो तो ये बोला है कि काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस इससे हैं कि अगर रिमेन रहेगा है ना तो एम एम पी सीज अपर टॉलरेंस लेवल वाइल स्पेस फॉर फर्दर रीजन इन द नियर टर्म इज लाइकली टू बी रिस्ट्रिक्टेड गिवन द टैचेक्ट्री इन्फ्लेशन तो अभी इस पर बात नहीं हो रही है और यहाँ पे जो टर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एकोमोडेटिव स्टेंस है ना कि ग्रोथ को एक्सलेट करने की यहाँ पे बात हुई है और आर बी आई नाउ एक्सपेक्ट्स रिटेल इन्फ्लेशन टू रिमेन एलिवेटेड एट सिक्स पॉइंट एट परसेंट इन द थर्ड क्वार्टर तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो सिक्स पॉइंट एट परसेंट ही रहेगा थर्ड क्वार्टर में और ये है कि मतलब हमारे जो अगर जो टारगेट की हम बात करें तो कितना है वो फोर प्लस माइनस टू परसेंट यानी कि सिक्स परसेंट से ज़्यादा रिटेल इन्फ्लेशन मतलब इतना होना नहीं चाहिए अभी लेकिन सिक्स पॉइंट एट परसेंट हो गया था है ना तो ये भी है लेकिन अभी बस ये है कि मेन बस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि ऑन द ग्रोथ फ्रंट विद इकोनॉमिक एक्टिविटी बाउंसिंग बैक स्ट्रॉगर दैन एक्सपेक्टेड दे आर बी हैज़ रिवाइज इज ग्रोथ फॉरकास्ट ऑन पेंडिंग द कॉन्ट्रैक्शन इन जी डी पी फॉर द फुल ईयर सेवन पॉइंट फाइव परसेंट और जो अक्टूबर की पॉलिसी फॉरकास्ट थी इसमें नाइन पॉइंट फाइव परसेंट था और अभी ये बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव होगा जो सेकेंड हाफ द हाफ ऑफ द ईयर है उसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ मिलने को रहेगी है ना देखने को मिलेगी सो हाउ वेर सस्टेन पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल डिपेंड ऑन कंटिन्यूड पॉलिसी सपोर्ट तो एक किस पे डिपेंड करता है एक पॉलिसी सपोर्ट पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके से मतलब हो चल रही हैं और जो हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उस पर डिपेंड करता है कि सरकार की तरफ से जो मतलब रिलीफ पैकेज हैं है ना तो वो एक्सपेक्टेशन से इतना मैच नहीं किया जितना एक्सपेक्टेशन थी और ये बोला जाए कि सिमिलर जैसा पिछले साल जितनी एक्सपेंडिंग थी गवर्नमेंट की उतनी ही अभी इस साल भी है ठीक है कैपेक्स और ओपेक्स दो चीज़ें होती हैं ना कैपेक्स मतलब क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और तो अगर हम बात करें स्टेट कैपेक्स की तो इस वाले आर्टिकल में भी यही सब लिखा हुआ है कि जो स्टेट का जो कैपेक्स है वो अंडर प्रेशर में है तो यहाँ पे इम्पॉटेंट हो जाता है सेंटर के लिए कि वो जो स्पेंडिंग है जो एक मोमेंटम बना रहे हैं इकोनॉमी के लिए है ना मोमेंटम मस्ट बी मेंटेन तो वो उसको हेल्प करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की भी तो ये है पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट होना चाहिए मस्ट बी लेट मोटिव ऑफ द नेक्स्ट बजट दिस विल बी क्रूशल टू बो बूस्ट डिमांड एंड क्रिएट जॉब्स एंड क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव द इकोनॉमिक एक्सटर्नल कॉम्पिटेटिवनेस तो यही सब चीज़ें हैं कि अब ये है कि यहाँ पे इस वाले आर्टिकल में तो ये बात थी कि सप्लाई साइड जो डिसरप्शंस हैं ना तो उनके जैसे ये प्रॉब्लम हो रही है सारी इन्फ्लेशन की मतलब जो रीज़न है वो क्या है सप्लाई साइड डिसरप्शन है ना कि जैसे सपोज कि टमाटर है टोमेटो की सप्लाई कम हो गई तो लेकिन डिमांड क्या है लोग तो टमाटर खाते हैं है ना टोमेटो का सूप भी पी रहे हैं लोग तो डिमांड लोगों की बढ़ी हुई है है ना या फिर सेम है तो क्या हो रहा है हमारे पास सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होंगे उसके बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली है ना तो इसी इसी तरह से अनियन का होता है प्राइस बढ़ता है और ये भी होता है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम कैसे होती है क्योंकि वो जितनी ज़्यादा अगर अवेलेबल रहेगी ठीक है अगर सर्कुलेशन ज़्यादा रहेगा करेंसी का तो उसकी वैल्यू कम होती है जो चीज़ अवेलेबल रहेगी मार्केट में उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है तो ये सारे रीज़न है इसके और यहाँ पर यही है कि सो so, मतलब इतना सारी बातें ये सब कुछ वही लिखा हुआ है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट इन रियल टर्म्स लास्ट क्वार्टर दिस डिस्पाइज रेवेन्यू श्रिंकिंग बिकॉज फर्म्स एग्रेसिवली कट कॉस्ट इंक्लूड एम्प्लॉय कंजम्पशन कम्पनसेशन है ना तो इससे पहले भी एक आर्टिकल था जिसमें ये बताया गया था कि आ, जो एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्ट कटिंग देखने को मिली है है ना तो सेक्ट सिक्स हंड्रेड लिस्टेड फार्म ऐसी हैं जहाँ पे इम्प्लॉ कॉस्ट एज परसेंट ऑफ वाज द लोवेस्ट इन टेन क्वार्टर्स तो सबसे कम देखी गई है लेकिन क्या है जो लिस्टेड कंपनी है उनको तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वो है प्रॉफिट लेके चल रही है मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट उनकी uh, इतने ज़्यादा ग्रोथ हो रही है ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट लेकिन जो है जी डी पी फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है सेवन पॉइंट फाइव परसेंट से तो जो नॉन लिस्टेड कंपनी है जो मतलब जैसे स्मॉल एस एम ई हैं या फिर विजेज और एम्प्लॉयर्स हैं तो उनको मतलब प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ठीक है अनलिस्टेड कंपनी का तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है और बाकी के जो जीडीपी होती है उसको टू वेज़ में रिपोर्ट किया जाता है एक सेक्टोरल और दूसरा कैसा फंक्शनल ठीक है तो सेक्टोरल में यही सब बातें की गई हैं कि प्रोडक्शन साइड प्रोडक्शन साइड में क्या हो जाता है जैसे एग्रीकल्चर है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है सर्विसेज है फंक्शनल साइड में क्या हो जाता है एक्सपेंडिचर साइड जैसे कि कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट नेट एक्सपोर्ट और तीसरी साइड यहाँ साइड यहाँ पे बोला गया इनकम साइड ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन इसमें किया गया है कि इनकम uh, साइड मतलब जैसे वेजेस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो इन सब को लेके यहाँ पे चलना चाहिए तो प्राइवेट कंजम्पशन वाज इंक्रीजिंगली फैनैंसड बाय हाउस रनिंग डाउन सेविंग्स तो यही सब है इस आर्टिकल में ठीक है बाकी कुछ है नहीं इतना इम्पोर्टेंट मतलब जो जो इंपॉर्टेंट था वो हम क्रक्स से इसका पढ़ते जाते हैं और सारा ही डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड डे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है गवर्नमेंट टू सेटअप टू वक् बोर्ड्स इन जे एंड के वन इन लद्दाख तो यूनियन मिनिस्टर जो मैराटरी अफेयर्स है मुख्तार अब्बास नकवी इन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट एक सेटअप करेगी दो वक्फ बोर्ड कश्मीर में और एक लद्दाख में ठीक है तो फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है और देर आर फोर्टी थाउजेंड प्राइम प्रॉपर्टीज़ इन कश्मीर विच इंक्लूड दरगाहस एंड श्राइन्स कम्युनिटी सेंटर्स तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये यूटिलाइज नहीं की गई हैं जितना पोटेंशियली मतलब इनका यूटिलाइज होना चाहिए था और बिकॉज आर्टिकल सेवेंटी थ्री सेवेंटी वहाँ पर था तो उसकी वजह से वहाँ पर कोई भी कश्मीर में वक्फ बोर्ड नहीं था सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मतलब स्वतंत्रता के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि जहाँ पे एक नहीं मतलब दो वक्फ बोर्ड होंगे ठीक है तो ये शिया मुस्लिम्स के लिए होंगे और अदर फॉर सुन्नीस एंड कारगिल सिंस मोस्ट मुस्लिम आर शिया सो लद्दाख विल हैव जस्ट वन वक्फ बोर्ड ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है कश्मीर में शिया सुन्नी दोनों ही हैं ठीक है थीके? और वाइल्ड कश्मीर हैज़ सो फार नॉट हैड वक्फ बोर्ड एंडफ औकफ बोर्ड वाज इस्टिश बाई शेख अब्दुल्ला नाइनटीन थर्टी फोर थर्टी टू में ये इस्टेब्लिश हुआ था तो यहाँ पर यह भी एक फैक्ट है ये इम्पॉर्टेंट है देन देर आर सिक्स लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड रजिस्टर्ड वर्क प्रॉपर्टी अगर पूरी कंट्री की बात करें तो ये है मुख्तार अब्बास नकवी का ये कहना है एंड इतना ही इम्पॉर्टेंट है ठीक है दिनेश्वर शर्मा फॉर्मर इंटरलोकेटर फॉर जे एंड के डायज एट सिक्सटी सिक्स लक्ष्यद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर शर्मा तो ये इनको लक्ष्यद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया था मतलब आई वी के इंटेलिजेंस को हेड किया था इन्होंने अन वॉज द इंटरलोकेटर फॉर जम्मू एंड कश्मीर ठीक है तो ये ही डायर्ड ऑफ अ लंग अलाइनमेंट इन द चेन्नई सिक्सटी सिक्स और रिटायर्ड आई एफ आई पी एस ऑफिसर थे ठीक है और इन्होंने जम्मू कश्मीर में सर्व किया था तो नेक्स्ट है फार्मर प्रोटेस्ट ओनली इन पंजाब मोस्ट आर कांग्रेस वर्कर्स तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनका तो कहना है कि अपोजिशन के लीडर मतलब लोग यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं और एक तरह से मिसगाइड कर रहे हैं इतनी ठंड में फार्मर्स को आने की इतने यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी ठीक है क्योंकि जो कंटेंशन का इशू है वो मतलब फ्यूचर प्रोडक्शन को लेके है जैसे सी ए में हुआ था कि ऐसा हो जाएगा है ना तो ऐसा नहीं हुआ है तो जब तक ऐसा नहीं हुआ है तो हमें फ्यूचर को लेके हमें हाँ ऐसे डरना नहीं चाहिए इट इज़ नो वंस बिजनेस होम माई डॉटर गेट्स मैरिड टू वी हैव लिव्ड इन अ मिक्सड कॉलोनी ऑल आर लाइफ एंड हैव बीन फ्रेंड्स विद मुस्लिम्स देन वाई कैन माई डॉटर गेट मैरिड टू अ मुस्लिम है ना तो यहाँ पे ये था कि जो अभी एक एक्ट पारित हुआ था जिसमें क्या था यूपी में कि आ, आ, मतलब मैरिज अगर होती है है ना वहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी है ना तो ये लाया गया था तो इसके बाद से यहाँ पे जो एक मैरिज हो रही थी उस तो वेडिंग को स्टॉप कर दिया गया ठीक है स्टॉप इसलिए किया गया क्योंकि लड़की जो थी वो हिंदू थी लड़का मुस्लिम था लेकिन वो दोनों ही क्या रहे क्या थे मतलब एक दूसरे को इन्होंने ऐसे ही एक्सेप्ट किया था विदाउट चेंजिंग देयर रिलीजन एंड आइडेंटिटी तो उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन की ये बात हुई तो अब इसमें ये है कि अगर जिसको भी ऐसा शादी करनी है जिसको कन्वर्ट करना है अनदर रिलीजन में तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से और दो महीने पहले लेकिन अब जिसकी शादी पहले ही लॉकडाउन के मतलब टाइम पे पहले ही डिसाइड हो गई थी शेड्यूल हो गई थी तो वहाँ पर भी इस वेडिंग को रोक दिया गया है ना जबकि ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए जब से लॉ आपने ये ऑर्डिनेंस लाया है जिस डेट से तो अगर उसके बाद कोई मैरिज अगर इस तरीके की फिक्स होती है तो तब तो चलो चलता है लेकिन अगर जो पहले से हुई मैरिज है और जब दो लोग मतलब आराम से चाहते हैं तो तब भी ये इनको मतलब है इंटरफेयर करना इसमें है ना तो ये सही नहीं है बात देन पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी विल डिसाइड वैक्सीन कॉस्ट पी टेल्स पार्टीज तो यहाँ पे ये बोला है प्राइम uh, मिनिस्टर ने कि जो फर्स्ट स्लॉट्स uh, है शॉर्ट्स हैं विल बी रिसीव्ड बाय हेल्थ केयर एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स बट नॉट मेनी मोर डिटेल्स आर अवेलेबल इवन दो द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट इंडिया वुड बी रेडी टू रोल आउट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम एज सून एस साइंटिस्ट ठीक है workers, as as तो साइंटिस्ट जब गो एट कर देंगे तब सबको मिलेगी लेकिन फ्री में तो नहीं मिल सकती है वैक्सीन जैसे शरद पवार कह रहे हैं कि फ्री में मिल जानी चाहिए विद ऑल पार्टी सजेस्टिंग दैट द वैक्सीन शुड बी एटलीस्ट प्राइज्ड नॉमिनली है ना तो नॉमिनली प्राइज होनी चाहिए देन मैसिव बीजेपी सर्जन हैदराबाद सिविक पोस्ट

कि यही था और नो टॉक ऑफ कन्वर्जन लव इनफ तो ये वेडिंग स्टॉप हो गई थी नेक्स्ट यहाँ पे हम एक और चीज़ डिस्कस करना चाहते थे एक आर्ट पार्क सेट सेटअप हुआ है बेंगलोर में तो आर्ट पार्क अगर आ जाता है तो ए आई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है ठीक है बेंगलोर में सेटअप हुआ है और ये प्रोवाइड करेगा टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड रोबोटिक्स लीडिंग टू सोसाइटल इम्पैक्ट बाई एग्जीक्यूटिंग एम्बिशन मिशन मोड आर एंड डी प्रोजेक्ट्स ठीक है तो ये इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट न्यूज़ यूएस ब्लॉक इंपोर्ट ऑफ स्लेव लेबर कॉटन फ्रॉम चाइना ठीक है तो यूनाइटेड नेशन स्टेट्स ने क्या बोला है कि वो क्या करेंगे कॉटन uh, को ही ब्लॉक कर देंगे उसके इंपोर्ट को क्योंकि ये जो उइगुर मुस्लिम है चाइना के जिंजियांग रीजन में तो उनको मतलब यहाँ पे उनके साथ गलत बिहेवियर uh, uh, रखते हुए चाइना उनको एक्सप्लॉइड करते हुए क्या करता है ये uh, उनसे प्रोडक्शन uh, वगैरह करवाता है है ना तो ये चीज़ है आरीसीबोट टेलीस्कोप था ठीक है आरी सीबो या फिर आर ए सीबो टेलीस्कोप कुछ भी बोल सकते हैं तो बस ये पता होना चाहिए कि आर एसीबो है क्या पहले तो टेलीस्कोप है ठीक है तो पीड़ित तो रिको में एक मैसे वेरी सिबो टेलीस्कोप फेमस फॉर इट्स टेलर कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी कोलैप्स तो ये कोलैप्स हो गया था और सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है इन द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रडार साइंटिस्ट एम्प्लॉयड एम्प्लॉय एबोट ऑब्जर्व प्ला प्लानट्स एस्ट्रॉइड्स एंड द आइनोस्फेयर ठीक है तो ये है तो यही आज न्यूज की न्यूज़ है काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की वर्ल्ड वाइल्ड डे दिनेश्वर शर्मा फॉर्मर इंटरलोकेटर ठीक है जो गवर्नमेंट की साइड से थे जेएनके में डाइज एट सिक्सटी सिक्स एंड गवर्नमेंट सेट करेगी टू वक्स बोर्ड है ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेरेटरी में वर्ल्ड वाइल्ड डे की थीम आ, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर अभी भूल गए हैं और बाकी के ये जो आर्टिकल हैं ये भी हमने डिस्कस किए फिर हमने आ, रोहिंग्या का जो इशू था और भाषण चार आइलैंड ठीक है तो इसके बारे में देखा फ्लोटिंग आइलैंड भी इसको बोलते हैं चैंग गी फाइव मून मिशन ग्रेट बैरियर रीफ और ऑस्ट्रेलिया की जो लोकेशन है वो देखी कतर ठीक है कतर दोहा तो यहाँ पे जो पूरे गल्फ रीजन में मतलब कतर को लेके जो डिस्प्यूट है उसके बारे में देखा देन आर ऑफर्स मोर फंड ट्वेंटी सिक्स आइडेंटिफाइड सेक्टर बाई कामत कमेटी फिर पॉलिसी रेट मतलब क्यों इसमें कोई चेंज नहीं किया गया वो देखा आई के जो स्टोर हैं इसके बारे में देखा और एम के बारे में भी हमने देखा मतलब क्या इशू है अब्दुल गफार खान और बाकी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर देन आर्ट प्राक सेटअप इन बैंगलोर एंड देन यू एस ब्लॉक इम्पोर्ट फॉर स्लेव लेबर एंड बाकी कल्चर ऑफ पीस के बारे में एक ये यूनाइटेड नेशन ने ही किया था ये 1997 से स्टार्ट हुआ था कल्चर ऑफ पीस ठीक है तो ये अडॉप्ट किया गया था उनगा के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली अ के बारे में देखा बांग्लादेश बिगेन शिफ्टिंग रोहिंग्या और तो थैंक यू हैव अ नाइस डे